हरिओम श्री राम अम्बज्ञ नाथ संविद। मेरा नाम भारती वीरा गणेश डोंगरे, मैं बुरहानपुर निवासी हूँ। मैं बुरहानपुर के केंद्र से 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। बापूजी के ऐसे तो अनगिनत अनुभव आए हैं, लेकिन उसमें से मैं एक छोटा सा मेरे बच्चे का अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरा अभी बच्चा 10 साल का है। जब वो 5 साल का है था जब का ये मेरा अनुभव है। 5 साल का था जब वो जीत करके उसके दादा दादी के साथ शादी में गया था। मेरे मौसी की लड़की की शादी थी, वहाँ पे गया तो फिर उनके साथ गए। वहाँ से वो आने लगे, शाम का टाइम था 5 बजे का। जब वो वहाँ से आने लगे तो उनको ना कोई बस मिल रही थी, ना ऑटो मिल रही थी, कुछ भी, मतलब उनको आने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। फिर जेम तेम करके उनको 7 बजे एक ऑटो मिला, और वो ऑटो भी ऐसा था कि उसके आगे के कांच टूटे हुए थे। सबको पता नहीं था, जो मतलब पैसेंजर बैठ गए उनको पता ही नहीं था कि वो ऑटो में कांच नहीं है। सब जन बैठ गए और ये छोटा था मेरा बच्चा, तो वो जिद करने लगा उसके दादा के पास बैठने के आगे। तो वो दादा के पास आगे बैठ गया। वो लोग फैजपुर तक आए, और फैजपुर में 3 बाइक वाले उनके आगे चल रहे थे, और ये ऑटो वाले को दिखा नहीं। उसने इतने जम से वो ऑटो ने बाइक वाले को ठोका, तो वो बाइक वालों को कुछ नहीं लगा। ऑटो में जितने लोग थे उनको थोड़ा सा लगा, लेकिन लगा मेरे बच्चे को। उसके पूरे आँख के आजू बाजू पूरे कांच लग गए थे, मतलब उसकी आँख एकदम जरा से में बची हुई थी। और फैजपुर से बुरहानपुर आने में 1.5 घंटा लगता है, और वहाँ से आने में भी उन लोगों को कुछ मिल नहीं रहा था। ऑटो वाला तो भाग गया ऑटो छोड़ के। आई और मेरे ससुर जी को पापा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर उनको एक बस मिली। मेरी आई ने क्या किया कि नीचे की मिट्टी उठाई, उनके पास विधि नहीं थी तो मिट्टी उठाई और उसके सर पे लगा दी, और बोला बापूजी अब तू ही है, क्या करना है। तो वहाँ से आई, ये लोग आए, उनको 1.5 घंटा लगा। बस में भी उसको खून की उल्टियाँ हो रही थी मेरे बच्चे को। मैं बता रही हूँ, मुझे इतने रोंगटे खड़े हो रहे अगर अपन कोई याद करो तो। तो आई ने मिट्टी, आज वो मिट्टी उदी बन गई उसके लिए, मतलब जीवन दान संजीवनी बन गई। वो किसकी वजह से? मेरे बापू की वजह से, मेरे सदगुरु की वजह से। उसको लाया ऑटो में से, उसने पूरी गर्दन डाल दी थी। मैं भी घर से निकली तो मैंने भी उदी साथ में ली। बस मैंने ऑटो में बैठी, उदी लगाई, अस्पताल लेके गई। हमको लग नहीं रहा था कि ये बचेगा। लेके गए, डॉक्टर ने बस उसको जगाया, फिर वहाँ पे एकदम उठ के बैठ गया। और उससे नाम पूछा, बोले आपका नाम क्या बेटा? तो उसने बताया अनिरुद्ध डोंगरे। तो मैंने उसका नाम बापूजी से ही रखा है, अनिरुद्ध डोंगरे। तो डॉक्टर बोले इसको तो कुछ नहीं हुआ है। फिर उसके आँख के बिल्कुल पास में टाँके थे, पूरे आजू बाजू टाँके थे, लेकिन आज उसकी आँख जा सकती थी, उसके आँख में कांच जा सकता था, उसके गले में जा सकता था, लेकिन नहीं। एक में मेरा सदगुरु ऐसा है कि वो अपने को कोई भी संकट से बचाता है, बचाता रहेगा और बचाता ही है डेफिनेटली। ये मेरा सदगुरु है, ये मेरा विश्वास था मेरे बापू पे का। तो मेरा बच्चा आज एकदम अच्छा है और इतना पढ़ने में ब्रिलियंट है बापू की कृपा से। हरिओम श्री राम अम्बज्ञ नाथ संविद।